इसराइल और हमास युद्ध की आग गाजा में तेजी से बढ़ती जा रही है। गाजा में इसराइल के चलाए जा रहे ऑपरेशन से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इजरायली सेना ने हमास के कब्जे वाले गाजा में अपने हवाई और जमीनी हमलों से जमकर तबाही मचाई है। वहीं हमास और उसके समर्थक भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इसराइल पर भयंकर पलटवार कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हमास के लड़ाके इजरायली बलों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। बीते 10 दिनों में ही हमास ने 100 से ज्यादा इजरायली वाहनों और बख्तरबंद गाड़ियों को राख बना दिया। इन सब से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इजरायल की खूब किरकिरी हो रही है, तो वहीं कई देश इजरायल पर दबाव बनाने में जुटे हैं। इस सब के बीच इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने कई मोर्चों पर हालिया टकराव में इजरायल पर हमास की जीत की पुष्टि कर आग में घी डालने का काम किया। ऐसे में सवाल भी उठने लगा है कि इजरायल की कई न्यूज एजेंसियां अपने ही देश के खिलाफ ऐसी बातें क्यों उजागर कर रही हैं। इस बीच इजरायली न्यूज एजेंसी सिविल प्रेस की रिपोर्ट्स की माने तो हमास गाजा में सैन्य और राजनीतिक रूप से विजयी हुआ है, जिसे विश्व जगत में भी बड़ी संख्या में समर्थन मिला है। गाजा और लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर 7 महीने की भीषण जंग के बाद सिविल प्रेस ने दावा किया कि हमास ने खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर में अपनी श्रेष्ठता का जबरदस्त नमूना पेश किया। आउटलेट की माने तो ताबूतों में इजरायली बंदियों की वापसी इजरायली सेना पर सवालिया निशान उठाती है कि ताकतवर सेना का तमगा लिए इजरायल ऐसी क्या गलती कर रहा है कि उसके सैनिक युद्ध में अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके अलावा दावा किया जाता है कि इजरायली सेना गाजा के भीतर पहले के कब्जे वाले इलाकों से पीछे हट गई है, जो पीछे हटने और नियंत्रण खोने की ओर इशारा करता है। साथ ही गाजा डिवीजन के पूर्व कमांडरों ने सेना के संघर्ष पर कहा कि इजरायली सैन्य बल गाजा में लड़खड़ा रहे हैं, जिससे साफ है कि इजरायल अपने लक्ष्य को हासिल करने से भटक चुका है। सिविल प्रेस की यह रिपोर्ट मौजूदा टकरावों में एक बदलती कहानी की ओर इशारा करती है, जिसमें गाजा के प्रतिरोध समूह खुद को एक ताकतवर दुश्मन के रूप में पेश कर रहे हैं, जो इजरायली सैन्य ताकत को हराने का मादा रखते हैं। इजरायली रिजर्व आर्मी के मेजर जनरल यित्जाक ब्रिक ने भी हाल में कहा था कि गाजा में चल रहा युद्ध देश की ताकत को कम करने वाला है। साथ ही चेतावनी दी कि इसके लंबे समय तक चलने से इजरायल में सेना और अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट देखी जाएगी। इससे पहले नेसेट के सदस्य अमित लेवी ने कहा था कि हमास की सभी 24 ब्रिगेड गाजा में मौजूद है और उनमें से एक भी खत्म नहीं हुई है। युद्ध के 8वें महीने में प्रवेश करते ही इजरायली सेना उत्तरी गाजा के इलाकों में लड़ने के लिए लौट आई, जहां इजरायली सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने हमास का सफाया कर दिया। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में इजरायल हमास युद्ध क्या नया रंग लेता है।